कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और नादौन के पूर्व विधायक सुखविंदर सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी सहित बुधवार को मां चिंतपूर्णी के दरबार में माथा टेका और पूजा अर्चना की। उनके चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचने पर कांग्रेस सचिव संजीव कालिया और मंदिर प्रशासन ने इनका स्वागत किया। संजीव कालिया ने इन्हें माता रानी की फोटो देकर सम्मानित भी किया। माता रानी के दर्शन करने के उपरांत सुखविंदर सुक्खू ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाएं कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है और ये चुनाव खुद जनता ने लड़ा है। इन चुनाव परिणामों में कांग्रेस की जीत ऐतिहासिक होगी। सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि ये चुनाव राजा वीरभद्र सिंह की अनुपस्थिति में लड़ा गया, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से ये चुनाव लड़ा और ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर सुक्खू ने कहा कि परिणाम आने के बाद जीते हुए विधायक ही तय करेंगे कि हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और उसके बाद हाईकमान का फैसला अंतिम होगा। इस मौके पर मंदिर अधिकारी बलवंत सिंह, सहायक मंदिर अधिकारी अशोक डोगरा, रवि प्राशर भी मौजूद रहे। देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, अब राज बदलने वाला है। निश्चित तौर पर जनता की भावनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ और ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है, तो इस बार की जो चुनाव की जीत होगी वो ऐतिहासिक होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और ये बात सही है कि वीरभद्र सिंह जी की अनुपस्थिति में ये चुनाव लड़ा गया, लेकिन सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता से इस चुनाव को लड़ रहे थे। सभी पार्टी के पदाधिकारी एकजुटता से चुनाव को लड़ रहे थे। जहाँ प्रदेश में महंगाई हो, रोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो और प्रशासनिक असफलता हो, वहाँ जन भावनाओं का जब ख्याल ना किया जाए तो जन सलाह की तरह इस बार जीत कांग्रेस पार्टी की तरह हो, कांग्रेस पार्टी की होगी। जो सर्वे बता रहे हैं वो अलग अलग सीटें दे रहे हैं, तो आप कितनी सीटें दे रहे हैं हिमाचल में कांग्रेस? देखिए, मैंने बोला कि जिस प्रकार की जन भावनाएं हैं सीटें भी उसी प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और उससे ज़्यादा भी सीटें आएगी। ये सरकार आती है कांग्रेसी मुख्यमंत्री चेहरा को, अब विधायक चुन के आने दीजिए, मुख्यमंत्री चेहरा भी आपके सामने। हिमाचल के अगले सीएम सुखविंदर सुक्खू जी हो सकते हैं? ये अभी विधायक तय करेंगे और विधायक जब तय करते हैं तो उसके बाद हाईकमान का भी आशीर्वाद होता है, जो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान डिसाइड करता है उसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें HR@goelmotors.com पर।